सर्टिफिकेट देने से पहले एक टेस्ट होगा, ऐसा नहीं है कि हर बंदे को मिल जाएगा भाई। जाहिर है जिसको चीज़ आती होगी, सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है कि ये बंदा सर्टिफाइड है, इसको काम करना है, इसको ये लैंग्वेज आती है, इसको ये कोर्सेज आते हैं। तो ये कोशिश करनी है कि जब आप लोग सीख रहे हैं तो इसको अच्छे से सीखें, ताकि जब आखिर में आपका एक टेस्ट लें तो वो आप लोग उसको पास कर सकें और सर्टिफिकेट आप लोग हासिल कर सकें। एक और बात, आखिरी बात मैं करूँगा वो ये कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको, जिन्होंने कंप्यूटर कभी यूज़ नहीं किया होगा, हो सकता है कभी लैपटॉप यूज़ ना किया हो, कंप्यूटर मोबाइल तो बंद नहीं किया हुआ है, कंप्यूटर लैपटॉप हर किसी के अवेलेबल नहीं होता इजीली। तो उसके लिए है कि हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आसानी के साथ समझाएं, यानी जो जिसने नहीं भी यूज़ किया हुआ उसको भी चीज़ समझ में आ रही हो, ठीक है जनरल। तो माउस कीबोर्ड वगैरह जो है उसको जब आप यूज़ कर रहे होंगे, शॉर्ट कीज़ वगैरह यूज़ कर रहे होंगे, तो एक्सप्लेन कर दीजिएगा थोड़ा सा कि भाई हम कौन सा काम कर रहे हैं, ताकि जो सामने बैठे हुए लोग हैं उनको। अच्छा, स्क्रीन आप लोगों को नज़र आ रही है तो आप लोग आसानी के लिए लगाइए, ताकि सबको यहाँ से लेके आइए वहाँ तक सबको नज़र आ जाए। अच्छा जिमरान भी, फिर आप जो है वो मजीद इस हवाले से, कोर्स के हवाले से भी और आगे भी गाइड। अस्सलाम वालेकुम, जैसा कि अहमद भाई ने बताया मेरा नाम मोहम्मद जुबरान है और मैं क्लास 9 का तालिबे इल्म हूँ, बड़ी स्मार्ट स्कूल इंफ्राम कैंपस में पढ़ती हूँ। सो मैं 3 साल से आईटी की फील्ड में काम कर रहा हूँ, इस तरह के कोर्सेज कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारे कोर्सेज सीखे हैं, जैसे कि मैं आपको जो कोर्सेज सिखाने जा रहा हूँ, जैसे कि वेब डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट और इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज और इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज, फ्री लांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग, इस तरह के और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो मैंने सीखे हैं। तो अब देखें, बेसिकली हमारा प्लान ये है कि जो चीज़ हमें आती है हम वो दूसरों को सिखाएं। अगर आप में से किसी और को कोई कोर्स या उस तरह की कोई ऐसी चीज़ आती है जो कि आपको लगता है कि दूसरों को नहीं आती, यानी कि कोई ऐसी अच्छी चीज़ जैसे वेब डेवलपमेंट इस तरह की चीज़ है, आपको अगर कोई आती है इस तरह का कोर्स वगैरह आपने किया हुआ है, तो आप भी अहमद भाई से रब्ता करके अपना नाम लिखवा कर ये कोर्स करवा सकते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं, बस आपको कोर्स आना चाहिए, आपको सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जैसे मैंने बहुत सारे कोर्सेज करे हुए, मेरे को उनके सर्टिफिकेट वगैरह भी हैं। और अब बात की जाए कि हमें क्लाइंट वगैरह मतलब कैसे बनाने, देखिए अब हम जब कोर्सेज करेंगे, हमारे पास बेसिकली ना 2 चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल होती है और एक हमारे पास नॉर्मल स्किल होती है। नॉर्मल जो हम स्किल होती है हम उसे कहते हैं काम, जो हम काम करते हैं वो हमारी स्किल होती है, और जो कम्युनिकेशन स्किल होती है यानी कि जो ज़ुबान हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बाहर के ममालिक के लोगों से अगर आपको कॉल वगैरह करनी है, बाहर के ममालिक में काम करना है, तो आप इंग्लिश यूज़ करते हो ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन अगर आपको यहाँ पे काम करना है तो आप उर्दू यूज़ करेंगे, जाहिर सी बात है मदर टंग उर्दू है। तो आपको ये दोनों चीज़ आना ज़रूरी है, एक तो स्किल्स आपको आना ज़रूरी है जो कि अभी हम सिखा रहे हैं, उसके अलावा अभी जैसे आगे जाके हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का भी कोर्स होगा, तो आपको एक आपको कम्युनिकेशन स्किल भी हम अहमद भाई और उनकी टीम वगैरह ATI की टीम पूरी आपको कम्युनिकेशन स्किल्स भी देगी, और उसके अलावा आपको इस तरह की स्किल्स भी देगी। अब आ जाते हैं कि मैंने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं, यानी कि मैंने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बनाए हैं ना, तो वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि मैंने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बनाए, ताकि आप लोगों को भी पता हो कि भाई काम हो रहा है। सही है, तो जितने स्क्रीन हो रही है के सामने खड़े हुए, तो फिर मैं आप लोगों को अच्छा अब हम आ जाते हैं हमारे गेम पर, वेबसाइट वगैरह पर, और जो भी चीज़ इस तरह की। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास एक आ जाता है क्विज गेम, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग इस तरह के प्रोजेक्ट शुरू करते हैं जो कि थोड़े इंटरेस्टिंग हो। सबसे पहले कैलकुलेटर पर आए थे, ये एक वेबसाइट कैलकुलेटर है, वेब पेज का कैलकुलेटर,
तो यहाँ पे देख सकते हो इसके अंदर हर मल्टीपल टाइप की आप लोग कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल कैलकुलेटर होता है ना जो कि 8-9 क्लास में यूज़ करते हैं, साइंटिफिक नहीं है। तो जैसे आप इसमें कुछ भी टाइप वगैरह कर सकते हैं, हटा सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं और एडिशन वगैरह कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन सब कुछ कर सकते हैं इसमें। कुछ करके दिखाया जरा 9 को 90 को आप डिवाइड करो, 90 को हम डिवाइड करा देते हैं 3 से, हमारे पास 30 हो गया। अब हम सी यानी कि क्लियर कर देते हैं। अब हम 90 को मल्टीप्लाई करा देते हैं 3 से तो 270 हो गया। अब हम 9 को माइनस कर देते हैं 9 से 0 हो गया। अब हम 9 को माइनस कर देते 6 से माइनस कर देते हैं 6 से 96 को 90 हो गया। 3 को प्लस 3 को प्लस कर देते हैं 7 से 10 हो गया। सही है, इस तरह से आप यहाँ से हटा भी सकते हैं कि और सी से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक प्रोजेक्ट हमारा ये हो गया कैलकुलेटर। अब उसके बाद हम आ जाते हैं, अच्छा वर्चुअल का मतलब किस किस को पता है वर्चुअल? अच्छा, आप लोगों ने ना सवाल का जवाब देना है, गलत होगा कोई मसला नहीं, हम यहाँ सब यहाँ पे सीखने के लिए बैठे हैं ना, सारे जवाब मैं दे दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा, कुछ जवाब आप लोगों ने भी देने हैं। गलत जवाब का भी एक पॉइंट मिल जाएगा आप लोगों को, जो सही देगा उसको 2 पॉइंट। एक पॉइंट क्यों मिलेगा? कॉन्फिडेंस का, भाई आपने शो अप तो किया, आपने हैंडरेस तो किया, आप आगे तो बढ़े। गलत होगा तो क्या मसला है, बाकियों को भी नहीं आता, ठीक है, सारे जैसे ही बैठे। किसी को पता है वर्चुअल का मतलब क्या है? VIRTUAL बता रहे हैं, तनवीर भाई बता रहे हैं। मतलब आप कहना चाह रहे हैं ऑनलाइन, यानी कि मौजूद फिजिकल ना मौजूद होकर? जी जी सही है आपका आंसर। इसमें मतलब वर्चुअल का ये होता है कि आप किसी चीज़ से इंटरेक्ट ना कर रहे हो फिजिकली, जैसे इन्होंने बताया तो फिजिकली आप किसी चीज़ से इंटरेक्ट ना कर रहे हो लेकिन आप उससे इंटरेक्ट कर रहे हो। यानी कि जैसे ऑनलाइन, अब हमारे कोरोना वायरस हुआ था, हम लोग क्लासेस ले रहे थे, जो बच्चे स्कूल में वो क्लासरूम के जरिए क्लासेस ले रहे थे रूम पे, वो टीचर से इंटरेक्ट थे लेकिन फिजिकली नहीं थे। मतलब दिख भी रहे थे फिजिकली, ये नहीं है कि मतलब दिखना वगैरह, फिजिकली ये है कि आप जैसे अब बात करें फिजिकल तो टॉपिक अलग हो जाएगा। देखें फिजिकली इंटरेक्ट करना ये हो गया कि हम उधर मौजूद होने चाहिए, तो हम उधर मौजूद नहीं हैं लेकिन वो काम हो रहा है। अब हम आ जाते हैं वर्चुअल माउस पर। कुछ प्रोडक्ट हो सकते हैं जो डेमो क्लास में भी ना दिखाए हुआ, इस तरह भी कैलकुलेटर था ये डेमो क्लास में नहीं था, वो भी अभी आप लोगों को दिखा रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, हमने कहा कि कितने दिखाएंगे मतलब, इस वजह से जो है वो कुछ वहाँ पे दिखा दिए थे, कुछ अभी दिखा रहे हैं ताकि आप लोगों को पता चल सके भाई क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं इसमें। स्काई इज़ द लिमिट, यानी आप कितनी कितनी चीज़ें बना सकते हैं, आपकी अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर है कि आप क्या कुछ बना लें। आपको कोडिंग आ गई ना, उसकी हेल्प से आप इतनी चीज़ें बना सकते हैं, हर तरह गेम्स आप कई तरह के बना सकते हैं अपने सोच विचार के मुताबिक। अच्छा, ये इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि जो हर चीज़ आज की बात हर चीज़ का अपडेट होता है, तो ये मैंने पहले बनाई थी तो अब इसका अपडेट यानी कि अब आप देख रहे हैं इधर इम्पोर्ट करा है हमने, जो जहाँ जो एक चीज़ मतलब जगह थी लाइब्रेरी थी इसकी, हमने उसको वहाँ से इसको इम्पोर्ट करा है। अब इसका अपडेट आया है, वर्जन चेंज हुआ तो इसकी वजह से नहीं ऐसा करें, अपडेट नहीं करें, अभी आप वेबसाइट दिखा तो हम आपको बाद में दिखाएं वेबसाइट या गेम दिखा रहे हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं मेरी एक वेबसाइट है
अच्छा बेसिकली ये शूज वेबसाइट है, शूज एक शूज मार्ट है, जिसमें क्या है आप देख सकते हैं हमारा ये एक, मैं आपको वेबसाइट पूरी दिखा देता हूँ फिर आपको जो रिमार्क्स देने हों आप दे सकते हैं। अच्छा सबसे पहले हमारे ये लोगो वगैरह आ गए, उसके बाद हमारे शूज आ गए, उनके प्राइस आ गए, उनकी ब्रांड आ गई, उसके बाद हमारे पास ये कॉन्टेक्ट की चीज़ें आ गई, उनकी ऑफिशियल मेल आ गई और इस तरह की चीज़ें लिंक्स वगैरह आ गए, फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम। सही है, जैसे हर नॉर्मल वेबसाइट में होते हैं दराज वगैरह किसी ने यूज़ करी हो तो मेंस में आए तो यहाँ पर सारे मेंस के शूज़ आ जाएंगे, जैसे आप देख सकते हैं सैंडल्स चप्पल वगैरह इस तरह की चीज़ें सारी आ जाती हैं। उसके बाद अब यहाँ पर ब्रांड आ रहे हैं, जो जिस ब्रांड को आप दबाएंगे वो उस ब्रांड के आप शूज़, मतलब वो उस ब्रांड के शूज़ दिखेंगे। अब आप शो मोर में चले जाते हैं सारे नीचे ब्रांड्स आ रही हैं और ये उनके शूज़ आ रहे हैं। सही है, और ऊपर आ जाए तो हम बारी बारी देख सकते हैं स्नीकर्स का अलग पेज है, यहाँ पे आप ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आता है, जैसे अभी देखिए अभी यहाँ पे आपकी कार्ट एम्प्टी है, लेकिन अगर आप इसको ऐड टू कार्ट करते हैं यहाँ पर एक प्रोडक्ट ऐड हो गया, इसी तरह अगर आप हटा देते हैं तो ऐप भर गया, जैसे नॉर्मल वेबसाइट्स में होता है एक तरीके से, इस तरह से शॉप बाय ब्रांड एडिडास वगैरह। अब हो सकता है आपको मिसाल के तौर पर वेबसाइट बनाना आ गई तो वो कंपनी आपसे रब्ता करे, बोले भाई हमारी जो है वो ब्रांड है और हम जो है वो इस तरीके से अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं, हम लोकल तो काम कर रहे हैं लेकिन हम चाहते हैं कि ऑनलाइन भी अपनी चीज़ें सेल करें, तो आप हमें इस तरह की वेबसाइट बना के दे, तो वो क्या करेगा, वो ये करेगा कि आपको अपनी प्रोडक्ट्स की पिक्चर सेंड कर देगा, इस तरह की पिक्चर्स आपको नजर आ रही है ना, मिसाल के तौर पर उसने आपको 50 पिक्चर सेंड कर दी, उसने कहा भाई 10 शूज़ हैं, 10 गुस्सा हैं, 10 सैंडल्स हैं, 10 चप्पल हैं, ठीक है, आपने इनको क्या करना है, आपने इनको वेबसाइट में एंटर करना है और वो साथ में आपको प्राइस भी मेंशन कर देंगे भाई किस चीज़ की ये प्राइस है और ये जो आर्टिकल है ये किस ब्रांड का है, तो इस तरीके से आपको फिर वेबसाइट के अंदर उसको एंटर करना होगा, फिर वो कॉन्टैक्ट की डिटेल देंगे आपको जिस तरह उन्होंने दिखाई नीचे आ रही थी ना, इस तरह वो अपने फेसबुक पेज इंस्टाग्राम वगैरह जो उनके पेजेस होंगे सोशल मीडिया के वो देंगे, तो आप उनको लिंक कर देंगे, इस तरीके से डेटा वो आपको खुद देंगे, आपने बस उसको कोडिंग के जरिए से एंटर करना है। अच्छा, इस तरह से उनकी ब्रांड वगैरह शूज़ की ये सब कुछ आ गया वुमेंस में। सही है, ये वुमेंस के आ गए, ये मेंस के आ गए, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें मेंस में आ गए, ब्रांड्स आ गए, और यहाँ से हम हटाते हैं, अब इसको हटा देते हैं। अच्छा, ये वेबसाइट आ गई, इसके अलावा आए थे हम गेम्स पर, जो हम 2D गेम्स जो अभी हम सिखाने वाले हैं इन क्लासेस में, 3D गेम हम थोड़े आगे के हैं तो हम बाद में सिखाएंगे। एक हमारे पास स्पाइडरमैन का गेम आया था, अच्छा इसमें सारी मूवमेंट वगैरह देखें आपकी, इसमें लाइफ यहाँ पर आपकी लाइफ शो हो जाती है और यहाँ पर आपका स्कोर होता है, यहाँ पर आपके पास जितनी चीज़ें हैं वो सारी शो होती हैं। सही है, इस तरह से आई करके जब अब आप देखें अभी कोई भी मुझे हिट करेगा, अभी देखें मैं इसको हिट करने का वेट करता हूँ, अभी देखें लाइफ मेरी कम हो गई है, अभी देखें आउट हो गया, इस एक तो ये ऑप्शन हो गया हमारे पास। अच्छा, एक ऑप्शन हमारे पास होता है, अब आपने देखा होगा गेम अगर किसी लैपटॉप पे खेले हो ESC दबाते हैं स्केप की, तो यहाँ पर ऑप्शन आया था म्यूट साउंड, म्यूट म्यूजिक, स्लो मोशन, इस तरह की चीज़ें बहुत सारी आई थी, रिज्यूम, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आई थी, तो ये भी उसी तरह। सही है, अब इस तरह से आए थे, अच्छा कोई मिल गया वाली मूवी देखी किसी ने, देख के हो सकता है याद आ जाए, ये कुछ याद आ रहा है, अगर किसी ने देखी होगी तो याद भी आ रहा होगा, नहीं आ रहा, याद आ रहा है, नहीं आ रहा। ये बेसिकली ये एक मूवी आई थी कोई मिल गया नाम से, ऋतिक रोशन की, तो उसके अंदर ही हमें बताया था, मतलब उसके अंदर वो लोग कांटेक्ट करते हैं एलियंस से, तो उनके पास जो डिवाइस होती है वो ये वाली डिवाइस होती है, इसी तरह की वो, मतलब इसी तरह की डिवाइस होती है उसके अंदर, ऐसी पिक्चर्स वगैरह इस तरह से कोड आ रहे होते हैं, इस तरह से वॉइसेस वगैरह होती हैं, ये सारी चीज़ होती है। सही है, तो दिखाने का मकसद ये कि इस तरह की नई नई तरह की चीज़ें आप बना सकते हैं, ठीक है, ये सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं, आप अपनी मर्जी से कुछ भी चाहें बना सकते हैं, जो क्लाइंट आपसे कहे आप बना सकते हैं, ठीक है भाई, चीज़ एक ही है पीछे, कोडिंग एक ही तरह की हो रही है लेकिन आगे रिजल्ट नए नए तरह के आ रहे हैं, ठीक है, अच्छा, ये बात है, मैं बता देगा क्या होता है कोडिंग क्या होती है। अच्छा, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना जो कि आपको वेबसाइट पे खुलती हैं वो हमारे पास आ जाती हैं, वो यानी कि जो लैंग्वेज उनमें यूज़ होती है, सबसे पहले हमारे पास पहली लैंग्वेज आ जाती है HTML,
और CSS. HTML बेसिकली एक नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, जैसे हमारे पास बोन्स होती हैं, स्केलेटन होता है एक बोन्स का, एक हड्डियों का ढांचा होता है, वो हमारे पास HTML लैंग्वेज एक HTML वो हमें वो कहलाता है एक तरीके से. HTML एक हड्डियों का ढांचा बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, सही है. उसके बाद हम आ जाते हैं CSS पर. CSS ये लैंग्वेज है जो कि HTML यानी कि हड्डी के ढांचे को मॉडिफाई करती है. जैसे कि अब हड्डियों के ढांचे के ऊपर बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, कि जैसे उसके ऊपर फेस, शोल्डर, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, मसल्स, इस तरह की सारी चीज़ें CSS की मतलब मदद से आती हैं. अब तीसरी लैंग्वेज आ जाती है जावास्क्रिप्ट. जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट हमारे पास यूज़ होती है फंक्शन देने के लिए किसी चीज़ को. अब देखें, अब एक हड्डियों का ढांचा है, वो एक ही जगह पे खड़ा हुआ है, वो ना चल सकता है ना हिल सकता है, क्योंकि हमने उसको HTML से हड्डियों का ढांचा बनाया. CSS हमने उसको इंसान जैसा रूप दे दिया, मतलब बॉडी दे दी इंसान जैसी. तो HTML CSS हो गया, लेकिन अब वो ना चल सकता है ना भाग सकता है ना कुछ, कोई एक्टिविटी नहीं कर सकता, कोई वर्क नहीं कर सकता ना, कोई काम नहीं कर सकता. तो उसको काम कराने के लिए, फंक्शन लाने के लिए जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं. अब जैसे अभी मैंने आप लोगों को कैलकुलेटर दिखाया था, तो कैलकुलेटर में क्या था, कीज़ वगैरह जो थी, जितनी भी बटन वगैरह थे, वो सारे HTML से बने थे. उनके ऊपर जितना भी कलर वगैरह वो तो CSS था, और वो जो दब रहे थे और दबने के बाद वो जो लिखा हुआ आ रहा था, फिर वो माइनस प्लस वगैरह कर रहे थे, इस तरह की चीज़ें जो वो परफॉर्म कर रहे थे कैलकुलेशंस, वो सारी जावास्क्रिप्ट से थी. तो जावास्क्रिप्ट जो छोटी सी शॉर्ट फॉर्म है, जावास्क्रिप्ट किसी भी चीज़ के फंक्शन चलाता है, सही है. अब हम आ जाते हैं, ये तो GUI बेस्ड हो गया ना चीज़ें. GUI यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, इसकी फुल फॉर्म है. ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हमारे पास क्या होता है, जैसे अब हमारे पास गूगल क्रोम है, अभी हमारे पास विंडो है, ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. आप लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है. अब हमारे पास आ जाते हैं बायोस. लैपटॉप के किसी ने बायोस अगर देखी हो, खोली हो, वो हमारे पास CLI होता है. CLI यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस. अब देखें, अब आप देखें, हमारे पास एक चीज़ आती है CMD के नाम से, कमांड प्रॉम्प्ट, CLI जिसे हम कहते हैं कमांड लाइन इंटरफेस. वो हमारे पास किस लिए इस्तेमाल होते हैं, कि हमें कंप्यूटर में कुछ भी करना है ना, हम क्या करते हैं, भाई हमें कोई फोल्डर बनाना है, कोई चीज़ ओपन करनी है, कोई चीज़ खोलनी है, हम क्या करेंगे, जैसे गूगल खोलना, उस पर माउस लेंगे, दो बार क्लिक कर देंगे, क्लिक करेंगे तो वो चीज़ खुल जाएगी. लेकिन अब हमें यही काम अगर हमारे मतलब कि CLI पे करना है. CLI क्या होता है, एक काले रंग की स्क्रीन होती है, इस पर आप कमांड लिखते हो, यानी कि आप कंप्यूटर से बात करने के लिए, जैसे हम बात ही कर रहे हैं ना कंप्यूटर से, कोई चीज़ खोल रहे हैं, कोई चीज़ बंद कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, तो हम बात करते हैं, तो हम ऐसे बात करते हैं विंडोज़ पर, वो हो गया GUI. CLI क्या होता है, अब हमें बात करनी है कंप्यूटर से, लेकिन हमें लिख कर बात करनी कमांड के ज़रिए. जैसे हमारे पास बहुत सारी कमांड होती है, CLS क्लियर द स्क्रीन की कमांड होती है, यानी कि अगर हम बहुत सारी चीज़ें भरी हुई हमारी स्क्रीन पर, लेकिन ये स्क्रीन विंडो वाली नहीं, कमांड प्रॉम्प्ट यानी कि CLI की. CMD अगर आप टाइप करते हैं ना, आपके पास एक विंडो का ऑप्शन होता है, या फिर आप विंडो का ऑप्शन होता है और एक R का ऑप्शन होता है. मैं आपको खोल के दिखाता हूँ स्क्रीन कीबोर्ड. अब आप लोग ये देख सकते हैं, हमारे पास ये ऑप्शन है, ये बटन देख, इसको आपने दबाना है और फिर ये R वाले बटन दबाना है. अब आपके पास ये खुल जाएगा, देख रहे खुल गया. इसमें आप कर भी सकते हैं, लाइव में आप वहाँ पे कर सकते हैं, जिनके पास लैपटॉप है. आप खोलो, आप जो दिख रहे हैं उनके लिए आप लोग कॉपी में टाइप करेंगे, उनका पता नहीं कि भाई ये किसकी इंस्ट्रक्शन है. ये जो मेरे पास ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है ना, ये तो आपके पास नहीं खुलेगा. ये देखिए विंडो का ऑप्शन होता है एक बटन, इसको दबाना है पहले आपने, और फिर ये R का बटन होता है, R, इस R को दबाना, दोनों को एक साथ ये आपके पास खुल जाएगा. इसके बाद आप लिख लें CMD, ये लिखकर आप ये इंटर वाला बटन दबा दें, ये इंटर वाला, या फिर यहाँ पे जो ओके वाला बटन है ये दबा दो, कुछ भी आप दबा सकते हैं. जैसे आप दबाएंगे आपके पास ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया.
CLI खुल गया। अब आप इसको बंद करें, आसान तरीका जो हमारे पास आए थे, ये विंडो वाले बटन को दबाएं। अब जैसे मैंने एक बार विंडो वाले बटन को दबाया तो मेरा ये खुल गया। उसके बाद आप इधर सर्च कर लें CMD सर्च कर लें, या तो फिर COMMAND कमांड प्रॉम्प्ट सर्च कर लें। देखिए मेरे पास कमांड प्रॉम्प्ट से भी यही चीज़ आ रही है, और अगर मैं आपको मैं सर्च करके दिखा दूँ, देखिए कमांड प्रॉम्प्ट से भी यही चीज़ आ रही है और CMD लिखने से भी यही चीज़ आ रही है, नाम इसका कमांड प्रॉम्प्ट ही है। सही है, जैसे आप इंटर करेंगे आपके पास खुल जाएगा। लेकिन आने वाले टाइम में जब सब कॉपी लेकर आ जाएंगे ना, तो आपको हम CLI का मतलब कि CLI कहते हैं किसे, कमांड लाइन इंटरफेस, GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस, ये सारे जितने भी कोर्स हैं इनके मायने और इनके मतलब आपको कॉपी पे बकायदा लिखाएंगे और नोट्स की शक्ल में बनाएंगे सर। ठीक है, तो अभी बस थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, जो पहली क्लास में बच्चे कॉपी पेंसिल नहीं लाए थे, कल वाली या परसों वाली क्लास में जैसे ही अगली क्लास में बच्चे लाएंगे तो फिर आसानी हो जाएगी सब अपने पास लिखा। ठीक है, अभी आप लोग चाहें तो ये लिख सकते हैं GUI is equal to graphical user interface। वो आसमान में अच्छी कॉपी नहीं लाए ना, जो जो लाए हैं कॉपी नहीं लाए हैं वो लिख सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे, हम आपको एक ग्रुप बनाएंगे व्हाट्सएप का, बना हम आपको उस पे सबको ऐड कर लेंगे जो जो इधर है, वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं। मैं ग्रुप तो बनाया मैंने, ऐड बनाया है, ऐड भी हम ऐड कर लेंगे जो जो नहीं ऐड हुए, फिर हम उस पे पिक्चर भेजेंगे क्या चीज क्या है, क्या चीज क्या है, आप बोल लेते कुछ आप लोग। जी जी, शॉर्टकट कीज हमारे पास, शॉर्टकट की है एक विंडो और आर जो मैंने आपको बताया ना कमांड प्रॉम्प्ट को खोलने के लिए, ये वाला विंडो वाला बटन और ये आर, तो ये खोलता है ये भी आपके लिए, ये भी एक तरीके से शॉर्टकट की ही है, वरना अगर हमें वरना मैं यहाँ पे इसको दबाकर CMD या कमांड लाइन कमांड प्रॉम्प्ट खोलना पड़ता है तो ये तो फिर लॉन्ग हो गया, तो वो शॉर्टकट ही है। तो विंडो आर और CMD लिखना है, तो आप यहाँ पे हो गया, जो जो लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं उनका हो गया कमांड लाइन इंटरफेस ओपन। क्लियर हो गया, क्या समझ आया, कोई क्वेश्चन है कमांड लाइन इंटरफेस CLI और जी ओ आई देखना है ना, जी ओ आई दोनों बंदे बंदे साथ में एक दूसरे के लैपटॉप में देख या इधर भी साथ साथ देख लेना। अच्छा मैं आपको एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दूँ, किसी को अगर कमांड लाइन इंटरफेस GUI CLI नहीं समझ आया, इसका छोटी सी बात है, हम जो काम मतलब हम मज़े से जो काम करते हैं ना उसे हम कहते हैं GUI, हम GUI पे काम कर रहे हैं, ये है GUI। हमें कोई चीज़ ओपन करनी है, हम अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, हमें नोटपैड ओपन करना है, हम दोबारा क्या करेंगे इस विंडो वाले बटन को दबाएंगे। यहाँ पे बेसिकली ना विंडो वाला बटन हमारे लिए हर वक्त यूज़ होता है, कोई भी चीज़ हमें सर्च करनी होती है, हम पहले मैं आपको दिखाता हूँ विंडो वाला बटन, हम इस विंडो वाले बटन को दबाते हैं, ये हमारे लिए ज़रूरी है कोई भी चीज़ सर्च करने के लिए, अगर कोई चीज़ सामने रखी हुई तो आप उसको सामने से खोल लो। अब विंडो वाले बटन को दबा के लिख लें नोट, और नोट लिखते ही आपके पास ये नोट पैड आ गया। अब इंटर कर दें, इंटर का बटन मैं बता दूं, ये होता है इंटर का बटन, सही है। अब आप लोगों ने इंटर कर लिया। अच्छा अभी ये देखें, अभी हमने कैसे आराम से खोल लिया, हमने आराम से विंडो का बटन को दबाया, नोट पैड लिखा, इंटर करा, हमारे पास नोट पैड खुल गया, ये हमारे पास GUI हो गया, हमने GUI पे काम करा। अब हमें CLI पे काम करना है, अभी कमांड प्रॉम्प्ट खुला हुआ है, अब हमें इसके जरिए खोलना है नोट पैड, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्लोज कर देते हैं क्योंकि नोट पैड भी क्लोज था, हमने स्टार्टिंग से शुरू करा था। हम सबसे पहले विंडो आर शॉर्टकट की दबाएंगे, फिर इसके बाद CMD टाइप करेंगे, फिर इंटर करेंगे, मतलब ये लॉन्ग वे तो नहीं है, लेकिन कंप्यूटर की चीज़ें चेक करने के लिए भी ये चीज़ यूज़ होती है, कंप्यूटर का IP एड्रेस तरह की चीज़ें यूज़ देखने के लिए ये चीज़ यूज़ होती है। अब हम कमांड प्रॉम्प्ट पर है, नोट पैड स्टार्ट करना है, तो हम क्या लिखेंगे, स्टार्ट नोट पैड। अच्छा इसकी बहुत सारी कमांड होती है, मतलब नोट पैड की नहीं, और भी बहुत सारी कमांड है, आपको लग रहा है स्टार्ट नोट पैड लिखा तो ऐसी बात है इंग्लिश यूज़ हुई है स्टार्ट नोट पैड, तो हम इंग्लिश में लिख लेंगे स्टार्ट नोट पैड, ज़रूरी नहीं है, अगर कोई और चीज़ ओपन करनी है तो उसके लिए कोई और कमांड होगी, नोट पैड की स्टार्ट नोट पैड ईजी सी कमांड है जो मैंने आपको बता दी, कोई और चीज़ ओपन करनी है क्लोज करनी है उसकी अलग कमांड होगी,
तो अब ये ना समझे कि ये ज़्यादा ईजी है या वो ज़्यादा ईजी, दोनों एक तरीके से इक्वल है क्योंकि इसमें कोई भी कमांड सेम नहीं है। अभी स्टार्ट नोट पैड लिखा मुझे, फॉर एग्जाम्पल ऑन स्क्रीन की बोर्ड लिखना, मैं इधर लिख दूँ अभी मैं एंटर करता हूँ ना स्टार्ट नोट पैड पर, तो देखें वही खुल गया नोट पैड जो पहले खुला हुआ था। अच्छा उसकी देखें हर चीज़ की अब अलग अलग कमांड होती है। अभी कोई चीज़ खोलने के लिए अब मैं जैसे मुझे खोलना जिस पीसी स्टार्ट खुलेगा नहीं क्योंकि उसकी कमांड होती है, यहाँ पे नहीं खुला। अच्छा अभी देखें अभी कितना ज़्यादा हमारा भर गया था, अभी ये कुछ भी लिखते हैं हम, देखें आपको बता रहे हैं कि ये रिकॉग्नाइज नहीं हो रही, यानी कि कोई और कमांड है इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड के लिए ये रिकॉग्नाइज नहीं हो रही, सही है, मतलब कि ये कोई और कमांड है आप गलत लगा रहे हो कमांड। अब मुझे ये देखें बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, यानी कि मतलब गंदा तो नहीं बहुत ज़्यादा भर गया है, अब मुझे चाहिए कि मैं शुरू से काम करूँ, मुझे इस पर सही नहीं लगता, तो मैं क्या लिखूँगा CLS लिखूँगा अपने पास, हमारे पास ये होता है CLS, ये लिख कर आप इंटर कर देना, सही है ये इंटर वाला बटन, अभी CLS लिखा इंटर कर दिया, अब हमारे पास पूरी स्क्रीन मतलब दोबारा नहीं जैसी हो गई, सही है। अच्छा इसमें क्या होता है मैंने आपको जैसे बताया, अभी समझ आ गया सबको ये क्या है इसमें और CLI और GUI में क्या फ़र्क है। अच्छा अब्दुल्ला भाई हो गया देख ले, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, फिर वो जो चीज़ें बता रहे हैं वो ना रहे। अच्छा ये कमांड प्रॉम्प्ट और नोटपैड जो आपने खोल के दिखाया ना ये पहले से इंस्टॉल होता है, हाँ ये पहले से होता है, और इस तरीके से GLI और GUI और CLI के बारे में जो बताया ये बताने का भी मकसद था, ये आगे चीज़ें यूज़ होंगी असल में, जो हम कोडिंग करेंगे बेसिकली, जो हम प्रोग्रामिंग करेंगे, जो हम लैंग्वेजेस यूज़ करेंगे HTML CSS JavaScript वगैरह, तो ये सारी लैंग्वेजेस जो हैं इन प्रोग्राम्स के ऊपर ही रन होती हैं, यानी जो आप कोडिंग कर रहे होगे, जो आप टाइपिंग कर रहे होगे, वो सारी आप या तो नोटपैड पे लिख रहे होगे, या वो आप कमांड प्रॉम्प्ट पे लिख रहे होगे, या वो आप इसके लिए एक अलग से एप्लीकेशन भी आती है जिससे हम बोलते हैं विजुअल स्टूडियो को, या तो आप वहाँ पे लिख रहे होगे VS को, तो एप्लीकेशन पे हम आपको बता देंगे कैसे डाउनलोड करनी है और वहाँ पर भी आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन हम स्टार्टिंग जो हम जो करेंगे ना अपना HTML वगैरह कोडिंग वगैरह, तो हम वो नोटपैड पे कोडिंग करेंगे क्योंकि बेसिक जो हमारे पास जो प्री इंस्टॉल सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि जो पहले से इंस्टॉल होता है भरा होता है हमारे लैपटॉप में, वो होता है नोटपैड, हम उसमें कोडिंग करेंगे। बाद में जब हम एक्सपर्ट हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम अपना विजुअल स्टूडियो कोड VS कोड हम इसमें कोडिंग करेंगे। यहाँ पर आप बहुत सारी मतलब फाइल्स बना सकते हो, पाइथन बहुत सारे कोड वगैरह होते हैं, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है इसका इंटरफेस, हम ये आगे जाके यूज़ करेंगे, जितना हम इसमें डीप जाते रहेंगे, जितना आगे तक जाते रहेंगे उतना आगे तक हमारे और टॉपिक्स आते रहेंगे। अच्छा कोई क्वेश्चन तो नहीं यहाँ तक जो समझाया है, अगर कोई सवाल है तो अभी पूछ लें, आप लोग सबको क्लियर है, उस्मान भाई रियान आप फाद वगैरह सबको क्लियर है, हसन भाई ऐसे कमांड लिखते हैं इसका नहीं पता मुझे, कमांड क्या लिखी है स्टार्ट नोटपैड लिखी है, नोटपैड के स्पेलिंग गलत लिखे होंगे तभी नहीं खुली। अच्छा जल्दी देख लेते हैं आप, मतलब CLS आप एक बार दिखाएं, मैं आपको दिखाता हूँ STA कैसे कर रहे हैं ना, बिल्कुल वैसे वैसे आप लोग देखें, कंट्रोल प्लस करें स्क्रीन थोड़ी बड़ी करें, चलो अच्छी बात है, आप लोग ध्यान से क्लास लीजिए, ज़ूम होती है, चलो आप लोग बता दो स्टार्ट और NOTE नोट PAD स्पेलिंग सही होनी चाहिए, देख लो भाई और गैप भी देना है, NOTE नहीं लिखना, नोटपैड नहीं लिखना, नोटपैड लिखना, कंट्रोल और प्लस, आपने नोटपैड लिखा था ना, है ना, कंट्रोल और प्लस, प्लस हमारे पास बहुत दो दो किस्म के आते हैं, एक हमारे पास प्लस होता है जो कि यहाँ पर होता है जिसमें हम शिफ्ट दबाते हैं और फिर हम शिफ्ट से भी प्लस दबाते हैं, ये वाला प्लस नहीं, हमारे पास एक यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पर आ नहीं रहा, हाँ ये MV अप इसे प्लस कहते हैं, ये मेरे पास
यहाँ पर आया है, मैं आपको कीज अब दिखा नहीं सकता और ना आपको दिखा सकता। सही है। अच्छा, इसमें ये होता है कि जो आप टाइपिंग कर रहे होते हैं, जो आप कोडिंग कर रहे होते हैं, इसमें एक एक जो आपकी की है ना, एक एक लेटर है, अल्फाबेट है, वो बहुत मैटर कर रहा होता है। अगर आपने कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक कर दी तो आपका वो कमांड रन नहीं होगा, वो ऑपरेशन आपका हो नहीं पाएगा, जो आप चीज करना चाह रहे थे वो हो नहीं पाएगी। अच्छा, उसको आप करेक्ट करोगे तब जाके वो काम होगा। हो सकता है इस तरह की कोई मिस्टेक हो रही हो, जाहिर है देखने का, एक बंदे को बुलाएं हम देखें, तो ये होगा कि आखिर में कर लिया करेंगे कि जिस बंदे का जो इशू आ रहा है वो यहाँ पे आके रिजॉल्व करवा लें, लेकिन क्लास के बीच में रन करेंगे तो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। सबसे पहले हमने क्या करना है, हम कोई भी काम करते हैं हम उसको स्टोर करते हैं, किसी चीज़ में रखते हैं। जैसे अब कोई भी चीज़ होती है, जैसे हम कपड़े अलमारी में रखते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं, गैलरी, तस्वीरें गैलरी में रखते हैं, और गैलरी के अंदर भी कभी कभार कुछ फोल्डर बना लेते हैं, माई इमेजेस, फ्रेंड इमेजेस, ये वो, इस तरह के फोल्डर बना लेते हैं ना, एल्बम वगैरह। तो इसी तरह जो हम अब काम करेंगे उसको हम एक फोल्डर में रखेंगे। फोल्डर क्या होता है, सबसे पहले हम राइट क्लिक करेंगे, माउस है, माउस के अंदर ये राइट क्लिक होता है, एक ये होता है राइट क्लिक, ये राइट क्लिक होता है जिससे हमारा ये खुल जाता है, सही है, और ये होता है हमारे पास लेफ्ट क्लिक जिससे सिलेक्शन होती है, सही है। हम ये राइट क्लिक करेंगे, अभी लैपटॉप में भी देखें तो ये हमारे पास राइट क्लिक, ये होता है, सही है, स्क्रीन आपको दिख रहा होगा जो चीज़ इसके राइट क्लिक से हुई है, जैसे इसका राइट क्लिक हम यूज़ करेंगे, ये वाला राइट क्लिक, तो देखो उधर क्या हुआ है, उधर भी ये चीज़ खुल गई है, ये वाली चीज़ खुल गई, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से हटाने के बाद इस वाले को राइट क्लिक करूँ, इसका भी राइट क्लिक से वही काम हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि दोनों राइट क्लिक बराबर है, यानी कि माउस को यूज़ कर रहा है तो माउस का राइट क्लिक अलग है, इसका राइट क्लिक अलग है। सबसे पहले राइट क्लिक करेंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो न्यू के नाम से न्यू का ऑप्शन होगा, आपने इसको दबाना है, यहाँ पे फोल्डर को प्रेस कर देना है। अच्छा, फोल्डर पर आ गए, आप इस फोल्डर को यहाँ से उठा सकते हैं, आप इसको दबाएं एक बार, दबाने के बाद आप इसको यहाँ पे कर दें, सही है, यहाँ पे जहाँ पे आपको रखना है आप रख सकते हैं। इसको मैंने इधर रख दिया, यहाँ पे मैं इसको साइड पर रख देता हूँ। अब हमें ना फोल्डर को किसी भी चीज़ को ओपन करने के लिए उस पर डबल टैप करते हैं, ये बात सबको पता है, कुछ लोगों को नहीं पता, इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि अगर किसी को नहीं पता तो वो समझ जाए। अब हमें देखें, ये नाम इसका, जो भी चीज़ हम रखते हैं उसका नाम ना उसके नीचे आता है, जैसे रिसाइकिल बिन, इसका नाम आप देख रहे हैं नीचे आ रहा है उसके रिसाइकिल बिन। अब ये नया फोल्डर है तो उसका नाम आ रहा है न्यू फोल्डर, अब हमें तो उसका नाम ये नहीं रखना, हमें नाम अलग करना है। यहाँ पर दबाने के बाद राइट क्लिक करें और फिर शो मोर ऑप्शंस में जाकर आप यहाँ पे इसको रीनेम का ऑप्शन होता है, थोड़ा सा नीचे आएंगे, रीनेम, यहाँ से इसको दबाएंगे तो यहाँ पे नाम सेलेक्ट हो जाएगा, हम लिख देते हैं फर्स्ट क्लास एट, सही है, एक तो हमारे पास ये तरीका होता है, एक तरीका हमारे पास ये होता है, एक होता है हमारे पास कंप्यूटर में की होती है F2, दिखा दो। अच्छा, इसमें मेरे ख्याल से नहीं है, जिसके पास F2 की ना हो, वैसे तो होती है, जिसके पास ना हो F2 की, वो क्या करे, ये वाला तरीका करे, राइट क्लिक करे, रीनेम का ऑप्शन आता है, रीनेम को दबाए। हम इसको, हमें F2 की, इनके लैपटॉप में है, आपके लैपटॉप में है कीबोर्ड, कीबोर्ड तो आपकी होती है, देखें 90% लैपटॉप्स में होती है F2 की। अच्छा, F2 में जाएं, F2 करेंगे तब भी आप इसको यहाँ से नाम चेंज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब इसको हम दो बार दबाएंगे तो हमारे पास ओपन हो गया, दो बार प्रेस कर ओपन हो गया। अब हम इधर आने के बाद हम क्या करेंगे, इसको दबाएंगे, हम जो भी काम करते हैं, मैंने बताया था CMD में हमारे पास CLI होता है, हम इधर, हमने इसको दबाया, हम इसको दबाने के बाद यहाँ पर CMD लिख सकते हैं और फिर इसके अंदर कोड स्पेस डॉट, ये कमांड कोड स्पेस डॉट, याद रखनी है, पहले लिख भी लिया, किस चीज की कमांड है ये भी बता दे। अच्छा, कोड स्पेस डॉट से हमारे पास विजुअल स्टूडियो खुल जाता है। अजान हो रही है, थोड़ा वेट करें, फिर हम अजान के बाद कंटिन्यू करते हैं।
कीबोर्ड यहाँ पे खत्म हो रहा है प्लस ना हो वो कोई इतना मसले वाली बात नहीं है भाई अगर आपसे प्लस ना होता ना मैं आपको एक दूसरे को बता दूंगा हम सिर्फ कर लिए वो सारे बच्चे बोलेंगे कि समझ में नहीं आने भी सही समझाया जल्दी छोड़ो अच्छा इधर आ जाओ हम सीएमडी किसी भी देखे सीएमडी जो हमने पहले खोला था वो हमारा पूरे सिस्टम का सीएमडी खुल गया था सीएमडी याद होना चाहिए कमांड प्रॉम्प्ट को बोलते हैं ठीक है कमांड प्रॉम्प्ट सीएमडी कोड वगैरह लिखेंगे जी तो हमने पहले कमांड प्रॉम्प्ट खोला था अपने पूरे कंप्यूटर का अब हमें कमांड प्रॉम्प्ट खोलना सिर्फ इस फाइल का जो हमने फोल्डर नया बनाया है तो हम इसमें आएंगे इधर आके सी एम डी लिख लेंगे हमने सी एम डी लिख लिया अब देखें हमारे पाथ आ रहा है कि सी फोल्डर में यूज़र डेल डेस्कटॉप के अंदर क्लास वन के नाम से क्लास वन एट अल्नाफे के नाम से क्लास है यानी कि एक फोल्डर है लेकिन अब अगर मैं आपके सामने विंडो आर और सी एम डी लिख के एंटर करूँ तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कहाँ का खुला हुआ है सी यूज़र और डेल आगे पूरा वो नहीं है फोल्डर जो हमारे फोल्डर का नाम जो दूसरे सी एम डी में हमारे फोल्डर का नाम आ रहा है वो नहीं है अच्छा अब आप में से बहुत लोग क्या कह रहे हैं कि हमें वो नहीं आ रहा क्या कहते हैं जूम नहीं हो रहा ना तो हम जूम करने के लिए क्या करेंगे अच्छा जूम की शॉर्टकट की अभी हमें टाइम थोड़ा कम है तो जूम की जो शॉर्टकट की है वो मैं आप लोगों को उस पर भेज दूँ व्हाट्सएप के ग्रुप पर सेंड कर देंगे जितनी भी शॉर्टकट वगैरह कीज होंगी अच्छा सी एम डी लिखा इंटर करा अब हम क्या करेंगे नोट पैड स्टार्ट करेंगे ना नोट पैड तो एस टी ए आर टी स्टार्ट लिख के गैप देकर एंड बड़ा लिखो छोटा लिखो कोई मसला नहीं है एन ओ टी ई नोट पी ए डी नोट पैड इंटर करेंगे इंटर करा हमारा नोट पैड ओपन हो गया सही है फर्स्ट अचीवमेंट हमारी हो गई हमारा नोट पैड इंटर हो गया खुल गया अब हमें इस नोट पैड को सेव कराना है अब देख रहे हैं अनटाइटल लिखा हुआ है अब इस फोल्डर पर आ जाए तो हमारा नोट पैड ओपन नहीं हुआ इस फोल्डर पर तो हम क्या करेंगे नोट पैड ओपन करेंगे यहाँ से अपना कमांड प्रॉम्प्ट जो है इसको क्लोज कर देंगे अब हमें कमांड प्रॉम्प्ट का काम नहीं है इसको ओपन करने के बाद अब हम कंट्रोल एस दबाएंगे अच्छा कंट्रोल एस ऐसी नहीं है कि किसी के लैपटॉप में ना हो कंट्रोल एस ऐसी चीज़ है सबके लैपटॉप में होता है जैसे अभी जूम की का एक ऑप्शन आया ना कि हमारे लैपटॉप में नहीं है ये वो तो कंट्रोल जो है ना हमारे कंट्रोल एस हर लैपटॉप में होता है मैं आपको एक बार बता देता हूँ गलती से खुल रहा है अच्छा एस कंट्रोल एस अब देखिए कंट्रोल और एस इसको दबाने से कंट्रोल ऐसे हमारी कभी पंच सेव होती है देखें मुझे कुछ चाहिए कंट्रोल देखें ये मंदिर से हुआ नहीं वो नीचे से उतार नीचे से रंगल साहब ने लाया ऐसे भी लिया सही हो गया हाँ हो गया वहाँ से हो गया चलें अच्छा यहाँ से कंट्रोल एस करेंगे
अभी मैं यहाँ से दबा दूंगा तो फिर क्या कहते हैं डायरेक्ट सेव सेव वाला खुल जाएगा, मैं यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ से मैं कंट्रोल एस कर लेता हूँ। सबसे पहले हम सेव करा देते हैं ना, काम को कहाँ पर सेव करना है। तो अब आपने देखा था हमारा सी एम डी में एक पाथ लिखा हुआ था डेस्कटॉप पर, डेस्कटॉप पर जाएंगे, हमने जो नया फोल्डर बनाया था हम इस स्क्रॉल बटन की हेल्प से ढूंढेंगे, देखें फर्स्ट क्लास अटल लाफे, इसको दो बार दबा देंगे। दो बार दबाने के बाद हम अब देखें हमें इसको कहाँ पर खोलना है, वेब पेज पर। तो हमारे पास एक्सटेंशन होती है जैसे हम .com.vk इस तरह की, हमारे पास एक्सटेंशन होती है .html जो लैंग्वेज है उसी का नाम .html। हम क्या करेंगे, सबसे पहले नाम लिख लेंगे फर्स्ट .html, first.html के नाम से हमने बनाया, ठीक है। अब इस सेव वाले बटन को दबाएंगे, सेव होगा तो देखें अभी जब नाम आ गया इसका first.html। जी बोले, देखें हम नाम कुछ भी रख सकते हैं, नाम हमारा होगा फर्स्ट, जो .html है वो हमारी एक्सटेंशन है। अगर मैं .html नहीं रखूँगा या फिर अभी हमारी जो एक्सटेंशन है, एक सेकेंड, जो हमारी बेसिक एक्सटेंशन है, देखें हमारा नाम इधर फर्स्ट आ रहा है, .html कहीं पर भी नहीं आ रहा, लेकिन हमारे पास वेब पेज की तरह आ रहा है, ये देखें वेब पेज की तरह आ रहा है। अब मैं आपको एक और बनाता हूँ इधर फाइल, एक और नोट पैड में बनाता हूँ, सही है फाइल। अब मैं आपको इसको सेव करके दिखाता हूँ विदाउट .html, कोई भी चीज़ नहीं रखता, .bot कुछ भी नहीं रखता, सही है, डायरेक्ट डायरेक्ट सेव करूँगा। डेस्कटॉप पर आ गए, इसमें आ गए लिनाफे वाली में, हम इसमें रख लेते हैं .first। देखा मैंने .html का ऑप्शन आ रहा है लेकिन मैंने नहीं लगाया, अब मैं इसको डायरेक्ट सेव करूँगा। अब अगर मैं इधर फाइल एक्सप्लोरर पर आ जाऊँ, देख रहे हमारे पास ये डॉक्यूमेंट की तरह आ गया, ये हमारे पास क्या कहते हैं वो बन गया वेब पेज, जो हमने first.html लिखा था, ये हमारे पास क्या बन गई टेक्स्ट फाइल बन गई ना। तो हमें इसका यूज़ नहीं है तो हम इसको डिलीट कर देते हैं, मैं डिलीट की भी बता दूँ कहाँ पर होती है, ये डिलीट की होती है, आपको कोई भी चीज़ डिलीट करनी है पहले आप उसको सेलेक्ट करो, जैसे मुझे ये चीज़ डिलीट करनी है, मैं इसको यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके डिलीट का ऑप्शन दबा दूँगा, अपने कीबोर्ड से डिलीट दबाया, डिलीट हो गया। अब आपको डिलीट करने के बाद अब आपकी सारी चीज़ें जो भी आप डिलीट करते हो रिसाइकिल बिन में आती है, उसको आप ओपन कर लो, यहाँ पे एम्प्टी रिसाइकिल बिन आता है, आप यहाँ से एम्प्टी कर सकते हो, कोई चीज़ रीस्टोर कर सकते हो, मुझे एम्प्टी करना है मैं एम्प्टी करके यस कर दूँगा और क्लोज कर लूँगा। यहाँ पे देखो ख़त्म हो गया, पहले थोड़ा खर्चा आ जाता था। अच्छा, अब सबसे पहले इसको मैं हटा देता हूँ, देखें हम कोई भी चीज़ अगर कोई भी फाइल का नाम नहीं लिखते ना तो उसके आखिर में .txt की एक्सटेंशन आ जाती है, .txt यानी कि टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है, तो .txt आया था। अब .txt इधर .html है, क्योंकि .html जाहिर सी बात है किसी भी चीज़ को वेबसाइट में कन्वर्ट करना है उसके आगे .html लगाएंगे, नाम आप कुछ भी रख लो, first.html, second.html, high.html, by.html, कुछ भी रख लो, कोई टेंशन नहीं, सही है। सबसे पहले अब हम आ जाते हैं, .html का कोड, अच्छा मैं अपने वो खोल लूँ ना, जिस बुक से हम पढ़ाएंगे, बड़ा लिखे छोटा लिखे कोई मसला नहीं, आप HTML नाम ही नाम में काम है। अच्छा मैं साथ साथ अपनी बात ही बताता चलूँ, देखें कोई भी चीज़ आप सीख रहे हैं ना, शुरू में उससे एक अजनबियत महसूस होती है, स्ट्रेंज लगती है आपको कि यार ये आप चीज़ सीख रहे हैं पहले कभी देखी भी नहीं होती, तो आपको हो सकता है फर्स्ट क्लास हो तो बहुत सारी बातें नई नहीं पता चल रही हो, तो आपको GUI CLI ये क्या चल रहा है पता नहीं, नई दुनिया चल रही है ना, तो हो सकता है चीज़ें मुश्किल लगे, लेकिन जब आप 2-3 क्लासेस में आएंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ में आना शुरू होगा, यहाँ पर जो दिखा रहे हैं वो आपको अंडरस्टैंड होना शुरू होगा कि यार वो क्या रहा है। तो जिस तरीके से मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ, आप बाइक चलाना सीख रहे होते हैं शुरू में आपको मुश्किल लगती है, शुरू में बंदा गिरता भी है, और ये बात मशहूर है कि भाई जो बंदा गिरा नहीं उसको बाइक चलानी आई नहीं, तो ये तो होता है कि कहीं ना कहीं होता है, मारता है गिरता है, उसके बाद उठते गिरते जो है वो बाइक चलानी आया, इस तरह गाड़ी चलाने का भी ये शुरू में बंदा लगाता है इधर उधर, फिर आइडिया होता है मिरर्स वगैरह में देख के, बच्चा चलना सीखता है उसमें भी ये शुरू में गिरता है फिर उठ के चलता है, तो इस तरीके से शुरू में हर काम थोड़ा सा मुश्किल होता है और उसके बाद जो है वो फिर करना आता है पहली बार। और आप कुछ कह रहे हैं, ठीक है अच्छा, क्लास की टाइमिंग जो है ना वो कोशिश अगर आप लोग करें कि मगरिब की नमाज़ यहाँ पढ़ लें, मगरिब की नमाज़ यानी तकरीबन 7:30 बजे, 7:30 बजे तकरीबन अगर आप लोग यहाँ पे आ जाएं तो हम ये करेंगे कि फौरन यानी 10 मिनट बाद ही 7:40 पर ही अपनी क्लास स्टार्ट कर देंगे, आज हमारी क्लास 8:15 बजे स्टार्ट होगी, तकरीबन आधा घंटा लेट थोड़ा सा मिला है कम, लेकिन जब क्लास पूरे अपने टाइम पे होगी, और कल हम किसी का वेट नहीं करेंगे, देखिए आज फर्स्ट क्लास थी, हमें पता था कि लोगों को जगह नहीं पता, परसों जो वेनसडे को हमारी नेक्स्ट क्लास है
तो उसमें हमें पता था कि भाई सबको जगह का आइडिया नहीं है, तो इसलिए हमने कहा कि भाई सब आ जाएँ फिर क्लास शुरू करें। लेकिन अगली जो क्लास होगी आप तुमने जगह देख ली है डायरेक्ट टाइम, अगर कोई लेट भी हो जाए बिल फर्स्ट तो गेट नॉक कर दे, हम जो है वो खोल देंगे और जाके और आप आ जाए शामिल हो जाए। लेकिन जो चीज़ मिस हो गई वो मिस हो जाएगी, इसलिए कोशिश करें कि टाइम पर आएँ और टाइम पर ताकि हम क्लास को खत्म कर सकें। कोशिश होगी अजान तक हम क्लास खत्म कर दें ताकि मस्जिद में जाके लोग वुज़ू वगैरह बना सकें, नमाज पढ़ सकें। और अभी भी बस हम 2 से 3 मिनट में ख़त्म कर रहे हैं, नमाज फिर इंशाल्लाह मस्जिद में चल के ही पढ़ेंगे। जी 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 मैम, अच्छा ये मैंने खोली नोट्स। सही है, सबसे पहले हम HTML का जो कोडिंग हम स्टार्ट करने वाले ना, हमारा जो बेसिक जो काम होता है, सबसे पहले हम कंप्यूटर को बताते हैं कि हम भाई किस पे काम कर रहे हैं, कौन सी लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं। HTML पर आप चार बच्चे आगे आ जाए, आप लोग करीब करीब आ जाए, आगे आ जाए, वो पीछे वाले बच्चों को आगे कर देंगे, दो बच्चों वो दो सारे छोटे। अच्छा सबसे पहले हम क्या करते हैं, गूगल को बताते हैं हम जो भी ब्राउज़र यूज़ करते हैं, एज गूगल माइक्रोसॉफ्ट एज गूगल और फायरफॉक्स क्रोम जो भी ब्राउज़र यूज़ करते हैं उसको पहले बताते हैं कि हम किस पे कौन सी लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं। ऐसे थोड़ी ना हम लिख देंगे कि भाई HTML तो हमने कोड लिख दिया तुम प्रिंट कर दो, हम पहले उसको बताएंगे कि कौन सी लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं। उसके लिए हमारे पास एक कमांड आती है, भाई आप लोग नोट करना शुरू करते हैं, ये किसका है, अच्छा आप पेपर का नाम भी लिखते हैं, क्योंकि ये जो है ना इसका कोई अल्टरनेट नहीं है, ये नहीं है इसकी शॉर्टकट की होगी, आप इसकी शॉर्टकट की ढूंढो, छोटा रास्ता ढूंढो, इसमें भी गूगल में जाके लिखो HTML का नोट, वो आप वहाँ से कॉपी करके इधर पेस्ट करो, ये काम नहीं करना, ठीक है ना, समझ रहे हो, तो पूरा सीखना है तो आपको नोट करना है, उसमें लिखना है बकायदा, और हर काम के बाद हम उसको सेव करेंगे। तो सेव कैसे करेंगे मैंने बताया था, Ctrl S, सही है, मैं आपको दिखा देता हूँ, कंट्रोल पूरा लेगी और फिर एस, इससे हमारा सेव हो जाएगा। सबसे पहले हम जो स्टार्टिंग करेंगे ना, मैं इसका ज़रा टेक्स्ट बड़ा करता हूँ तो दिखता है। सबसे पहले हम लिखेंगे कंप्यूटर को बताने के लिए कि हम किस पे काम कर रहे हैं, हम लिख देंगे टाइप HTML। अच्छा ये अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देख रहे हैं यहाँ पे भी ये है। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये जो डॉक टाइप HTML है ना, हमारे पास HTML में हम जो भी चीज़ लिखते हैं हम इसमें लिखते हैं इन ब्रैक, क्या कहते हैं, ग्रेटर साइंस के अंदर, ग्रेटर देन स्मॉलर देन, तो इधर एक डॉट आ रहा है, पहले नहीं था क्योंकि पहले फाइल हमारी नॉर्मल थी, अब हमारी फाइल में कुछ इंटर हो रहा है, तो अब हमें इस डॉट को हटाने के लिए क्या करना है, कंट्रोल एस, जो भी चेंजेस अभी देखें डॉट क्रॉस में बदल गया, कंट्रोल एस करते ही डॉट क्रॉस में बदल गया, क्योंकि हमने इसको सेव कर लिया, काम हमारा सेफ हो गया। अब सबसे पहले हमने उसको कंप्यूटर को बता दिया कि भाई हम कर रहे काम HTML की लैंग्वेज पर, सही है। अच्छा सर, इसके अंदर जो है यहीं से आप इंस्ट्रक्शंस ऐड करते जाएंगे और आपकी वेबसाइट बनती चली जाएगी, आप उसमें हेडिंग देंगे, बॉडी देंगे, उसके अंदर टेक्स्ट देंगे, इस तरह से करके आप लिखाएंगे। इस तरह इन्होंने अपनी वेबसाइट बनाई थी ना, इसी तरीके से यहीं पर लिख लिख के बनाई थी। तो अब टाइम हमारा हो गया क्लास का तकरीबन, और आखिर में जी अजाम भाई, सिर्फ HTML की पूरी लैंग्वेज में आएगा, आप क्या पूछ रहे हैं, HTML के अंदर हम HTML का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो HTML की हर अलग अलग लाइन में, जी हर लाइन में, जैसे अब मुझे एक लिखना है HTML, सही है, फिर उसके बाद मुझे हेडिंग का टेक्स्ट बनाना है, हेडिंग के लिए हम H यूज़ करते हैं, तो मुझे ये लगाना है, फिर उसके अंदर H लगाना है, सही है। अब मुझे हेडिंग का टेक्स्ट क्लोज करना है, क्लोज करने के लिए देखें दो हमारे पास टैग होते हैं, एक होता है ओपनिंग टैग, एक होता है क्लोजिंग टैग। जो टैग हमारे पास ओपन होता है वही क्लोज भी होता है, ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग, यानी कि जो टैग हमारे पास ओपन हो रहा होता है वो क्लोज होता है। लेकिन कुछ हमारे पास होते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग, जिनको आपने जैसे कि डॉट टाइप डॉट HTML मैंने लिखा हुआ है, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों, जो आपके पास जो क्लोज हो रहा था ना टैग, जैसे अब मैं ओपन कर देता हूँ इसके अंदर एक टैग HTML का, मैं टैग ओपन कर देता हूँ HTML, ये टैग ओपन हो गया। सबसे पहली लाइन जो है हमने उसमें उसको बताया है डॉक टाइप को, हमने यानी कि डॉक टाइप हमने इसलिए लिखा है कि हम उसकी टाइप डिफाइन कर रहे हैं, टाइप है उसकी HTML, हमने उसको बताया है गूगल या ब्राउज़र को कि हमारी टाइप है HTML, हम HTML लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं। अब देखें, अब ये हमारे पास सेल्फ क्लोजिंग टैग है, अब हमने HTML लिखा है, अब हमें उसका क्लोजिंग टैग बनाना है, उसका क्लोजिंग टैग हम इंटर करेंगे,
उसका क्लोजिंग क्लोजिंग टैग और आसान है। अब क्या करें, आप इसी को कॉपी कर लें और इंट और पेस्ट करने के बाद पेस्ट कर लें, सही है। कंट्रोल, सबसे पहले आपको माउस की हेल्प से इसको सिलेक्ट कर लेना है, देन यहाँ पे से कंट्रोल सी करना है, कॉपी हो गया। देन अगली लाइन में आ जाना है, इंटर मारना है, इंटर यानी कि ये, देन कंट्रोल वी कर देना है। देखिए वी करते ही यहाँ पर लिखा गया। अब मैं दोबारा करता हूँ, यहाँ से इसको हटा देता हूँ एक बार, फिर कंट्रोल वी, देखा लिख दिया इसने, यानी कि जो चीज़ हमारे पास कॉपी होती है वो हम पेस्ट करते थे। अच्छा, अब आप लोग बोलेंगे भाई हमें कैसे पता चलेगा कि ये दोनों कोड है, कि हमें कौन सा पता चलेगा क्लोज कौन सा हो रहा है, ओपन कौन सा हो रहा है। तो इसके अंदर हमारी आसानी के लिए हम क्या करते हैं, एक स्लैश लगा देते हैं, स्लैश, सही है। अब हमारा हमें पता चल गया, जिसमें स्लैश होगा वो क्लोज हो रहा होता है और जिसमें स्लैश नहीं होगा वो ओपन है, सही है। अब हम जो भी काम, हमारा जो मेन जो काम है, वो हमें जो मेन चीज़ें लिखनी है वो इन दो के बीच में लिखनी है। अब इन दो के बीच में हम बॉडी, हेड, हर चीज़ डिज़ाइन कर देंगे, सही है। इस तरह हम इंग्लिश लिख रहे होते हैं तो उसमें फुल स्टॉप लगाते हैं जब हमारा सेंटेंस पूरा होता है, माय नेम इज अहमद, माय नेम इज जिब्रान, माय नेम इज अजाम, माय नेम इज एहसन, आखिर में एक फुल स्टॉप लगाते हैं ताकि पता चले बात पूरी हो गई। इस तरह कंप्यूटर को भी बताते हैं हम कि यहाँ पे हमारी बात पूरी हो रही है, ठीक है। जब सेंटेंस शुरू हो रहा था पहले लेटर कौन सा होता है, कैपिटल होता है ना, वहाँ से पता चलता है ओपनिंग है, और जब आखिर में फुल स्टॉप लगाते हैं पता चलता है ये क्लोजिंग है। इस तरीके से कंप्यूटर में भी सेम सिस्टम है, ओपनिंग और क्लोजिंग होती है, थोड़ा सा अंदाज बदल गया लेकिन चीज़ बदल गई, ठीक है। अच्छा, अब असल मज़ा आना शुरू होगा, लेकिन मसला ये है कि टाइम पूरा हो गया, अभी जो है ना असल कोडिंग शुरू हुई थी, ठीक है। लेकिन ये है कि आप सस्पेंस रखते हैं और वेनसडे को जो है वो आपको करके दिखाएंगे, हेडिंग कैसे आ रही है, बॉडी एक एक इंस्ट्रक्शन यहाँ पे डालेंगे और फिर आपको वेबसाइट पे दिखाएंगे कि पीछे क्या हो रहा है, हेडिंग डाल के दिखाएंगे, देखो हेडिंग लिखी हुई आ रही है, हेडिंग को बड़ा कर दिया, छोटा कर दिया, कलर चेंज कर दिया, ये कर दिया, एक एक चीज़ यहाँ पे हो रही होगी और बैकएंड पे भी नजर आ रही होगी, ठीक है। तो आपको 90-100% चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो ये है कि आने से आएंगी, सीखने से आएंगी, कोशिश करने से आएंगी, स्ट्रगल से। पहली क्लास में अगर किसी को चीज समझ में नहीं आती तो टेंशन की बात नहीं है, मैं पहली क्लास में गया था मुझे नहीं समझ आई थी, सही है। मतलब पहली क्लास हमारे पास ऐसे होता है कि आपको कुछ चीज़ें ऐसी होती समझ आती हैं, कुछ ऐसी होती है नहीं समझ आती, जो नहीं समझ आती फिर आप अगली क्लास में आओ, क्वेश्चन वगैरह पूछो अगली क्लास में और उसको डिटेल में समझोगे, समझते रहोगे तो आपको एकदम एक मतलब जो भी हम कोड अभी मैंने करा है कुछ लोगों को सबसे समझ आ गया, उसको ना आता हो समझ। तो अभी हर लैंग्वेज में मतलब हर क्लास में हमारी HTML का जो भी कोड होगा वो यही होगा। अभी मैंने एक सैम्पल पैटर्न ड्रॉ करा है जिसमें हमारा जो टाइटल होगा ना, मैं आपको एक बार खोल के दिखा देता हूँ, जो फर्स्ट है इसमें देखे ना हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, इसमें आ रहा है हेलो वर्ल्ड और इसका नाम आप पढ़े जैसे यूट्यूब खोलते यूट्यूब लिखा हुआ होता है, इधर हमारा डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, सही है। अब मैं यहाँ पे मैंने अब मैं आपको दिखाऊंगा, अगर छोटा सा यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, अब मैं इसको यहाँ पे हेलो करके सेव करके रिफ्रेश कर लो तो हेलो आ गया, सही है। ये हमारा बेसिक जो होता है स्ट्रक्चर होता है, तो बाकी जो चीज़ें हैं वो हम अगली क्लास में जानेंगे, थोड़ा सस्पेंस क्रिएट रखते हैं ताकि बच्चे आए। जी अदाम भाई, पर मैं शॉर्ट करके बता देता हूं, माशाल्लाह जिब्रान भाई ने हमारे को तकरीबन बहुत सारी चीजें समझाई हैं, जिनमें से ज्यादातर आप ही गई होंगी, ज्यादातर पास से भी गई होंगी, वो इंशाल्लाह आप लोगों में सबको ऐड कर दूंगा तो आप सीख लेंगे। अभी मैं जब कब से बैठा हुआ था ना तो मैंने अपने भाई, ये अगर आप देख सकते हैं ना, अपनी तरफ की अच्छा ये देख रहे हैं कि मैंने अपने पास पूरा कोड नुमा लिखा और उसके बाद ये भी कोड नुमा लिखा है, वही तकरीबन मैंने 16 कमांड लिखे हैं जो जिब्रान भाई ने सिखाए हैं। मैं आपको हल्का का मतलब तेजी में बयान कर देता हूँ क्या क्या, वरना इसकी तस्वीर में इंशाल्लाह ग्रुप में भी आप लोगों को भेज दूंगा। सबसे पहले जिब्रान भाई ने जो सबसे पहला सिखाया था वो बताया था विंडो प्लस आर, जिससे हमारा कमांड खोल लिया था उसमें हमने CMD लिखा था। दूसरा उन्होंने सिखाया था कि जब हमने कमांड खोल लिया उसमें गंद मच गया तो उसको साफ कैसे करना था, उसमें फिर उन्होंने करवाया था CLS जिससे सारा कमांड क्लियर हो गया था। इसी तरह उन्होंने आगे बताया था कि नोट पैड को कैसे खोलना है, उसके लिए उन्होंने लिखा था स्टार्ट और नोट पैड
जिससे नोट पैड खुल गया था पूरा, उसके बारे में उन्होंने किया था। अच्छा नोट पैड में देखें, हम अभी हमने स्टार्ट नोट पैड करा है तो जो लास्ट में हमारी फर्स्ट डॉट एचटीएमएल की फाइल थी वो खुली हुई। अब हमें नया कोड लिखना है, हमें ये वाली फाइल पे काम ही नहीं करना। तो आप इसको क्रॉस करने से पहले सबसे पहले यहाँ पे एक प्लस का बटन आता है, प्लस यहाँ पे दिख रहा होगा। नेम हटा दिए, बंद हो गया। ठीक है ठीक है ना, इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा इसमें यही है कि सिंपल न्यू टैब खोल के पुराने टैब को कैंसिल कर दे। हां नई टैब खोल के पुराने टैब को कैंसिल कर दे वो आपको अपने, लेकिन आपका काम सेव होना चाहिए। अगर आपका काम नहीं सेव होता तो वो आपको ऑप्शन शो करा देता है कि सेव नहीं हुआ, आप उसको सेव कर लो। वो वाली टैब बंद हो गई, दोबारा खोल लेंगे सर्च करके। उसके बाद था कि जिब्रान भाई ने आगे बताया था CTRL प्लस जूम आएंगे तो जूम हो जाएगा। अच्छा वो खुद करने का फायदा बंद है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जिब्रान भाई ने बताया था CTRL माइनस करेंगे तो अनजूम हो जाएगा, यानी जब जिसको बड़ा किया था उसको हम छोटा कैसे करेंगे CTRL माइनस जूम आके। अगली कमांड जो थी वो थी कि CLI, और शुरू में उन्होंने बताया था कि CLI और GUI में फ़र्क क्या है। CLI किसे कहते हैं, GUI किसे कहते हैं। CLI बताया था कमांड लाइन इंटरफेस, और GUI बताया था ग्राफिक यूजर इंटरफेस। उसके बाद अगली और बताया था कि जो न्यू फोल्डर है उसको हम कैसे बनाएंगे, डबल क्लिक किया था उसके बाद उनको बनाया था। अच्छा जब फोल्डर बना लिया तो फिर उन्होंने बताया था कि अब हम कोई कमांड डाल लें तो उसको सेव कैसे करेंगे। तो उन्होंने बताया था कि हम CTRL प्लस एस को दबा के सेव कर लेंगे अपने पर पूरे फोल्डर को। उसके बाद इन्होंने हमारे को एक एक्सटेंशन सिखाई थी जिसको कहते हैं .html। उन्होंने बताया था कि हम कोई भी फाइल बनाएंगे तो उसको अपने पास सेव करने से पहले उसका हेडिंग डालेंगे ना फर्स्ट, उसके बाद .html। ये हमारी एक्सटेंशन थी जो हमने लिखी। इसी तरह और भी थी एक्सटेंशन थी जैसे .txt, और भी बहुत सारी एक्सटेंशन है। उसके बाद आगे बताया था कि हम माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे और उसके बाद डिलीट को करेंगे तो जो हमने बनाया होगा वो हमारे पास से डिलीट हो जाएगा। ये हमारे को सिखा दी थी। उसके बाद हमारे को राइट क्लिक, सही है वो राइट क्लिक था, मैं आपको ये ग्रुप में ना बताया था सब। राइट क्लिक करके हम डिलीट करते हैं, और अगर हम लेफ्ट क्लिक किसी चीज़ पे दो बार लेफ्ट क्लिक करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, ओपन हो जाती है। लेकिन अगर हम उस पर एक बार राइट क्लिक करके, एक बार लेफ्ट क्लिक करके एक बार राइट क्लिक करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह ओपन हो जाती है। डिलीट, रीनेम, ओपन विद टर्मिनल, कंप्रेस, या इस तरह से। तो ये 13 चीज़ें मैंने आपको बता दी, 13 अलग अलग कमांड्स बता दी। चौथी कमांड इन्होंने बताई थी कि हम किसी चीज़ को शुरू करेंगे ना HTML लैंग्वेज में तो ग्रेटर देन और लेस देन से शुरू करेंगे। पहले ग्रेटर देन लगाएंगे, उसके बाद फिर हम डालेंगे डॉट डॉग doc और टाइप, उसके बाद फिर हम HTML लिख के ग्रेटर देन बंद कर देंगे। तो उन्होंने हमारे को चौथी चीज़ ये बताई थी कि हम किसी भी कमांड को लिखेंगे तो लेस देन और ग्रेटर देन के दरमियान पर लिखेंगे। उसके बाद इन्होंने 15वीं चीज़ हमें ये बताई थी कि हम किसी चीज़ को कॉपी कैसे करेंगे। एक तो ये था ना कि माउस क्लिक करके खींचते हुए गए और कॉपी कर लिया, तो दूसरा ट्रिक ये थी, मतलब दूसरा तरीका ये था कि हम CTRL प्लस करके हम सी को दबाएंगे, CTRL C को दबाएंगे तो उससे हमारे को क्या होगा, कॉपी हो जाएगी पूरी लाइन। और उसके बाद कॉपी कर लिया, पेस्ट करने के लिए अगला जो इन्होंने कमांड सिखाया था वो सिखाया था CTRL प्लस P, पेस्ट करने के लिए पी, क्योंकि पेस्ट भी पी से आता है ना, तो CTRL P दबाएंगे। अच्छा ये इसका फायदा है, देखिए आपको दो तरीके पता चल रहे हैं, एक तो ये कि नोट्स कैसे बनाने, कितने अच्छे आदम भाई ने बनाए। वैसे अगर आप रिमाइंड करते हैं एक दो बातें याद रहती है, लेकिन इससे क्या हर एक बात याद रह रही है। दूसरे क्या फायदा हो रहा है, आप लोग जो नोट्स बनाएंगे वो इस तरीके से सुना देंगे तो कोई मिस्टेक होगी वो करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। हो सकता है इन्होंने जानबूझ के की हो ताकि तरीका पता चल जाएगा, जो आप लोग यहाँ पे सुनाएंगे वो आपकी करेक्शन हो जाया करेगी इस तरीके से, ठीक है। असल में इंशाल्लाह आज की क्लास थोड़ी जल्दी बंद होगी ना, वरना स्क्रीन खुली होती ना, जो हम 15 मिनट आखिर में लेंगे, आज तो टाइम नहीं था, क्योंकि अभी नमाज का भी टाइम होता है। तो हम इंशाल्लाह जो ये जो पूरी चीज़ें बताएंगे ना, 10-15 जो चीज़ें हमने लिखी होंगी रोज की क्लास में, वो हम बहुत तेज़ी में हम आखिर के जो पूरा जो क्लास का लेक्चर होगा ना, वो हम आखिर के 10 मिनट में 5 मिनट में पूरा कवर अप कर देंगे। और दूसरा ये जो नोट्स हैं मैंने पूरे बनाए थे, तकरीबन हमने इसमें 16 चीज़ें जिब्रान भाई ने हमें सिखाई थी, तो मैं आपको इंशाल्लाह इसकी पिक्स सेंड कर दूँगा जी, फिर आप ग्रुप में देख लीजिएगा, और बाकी एक एक करके आपको सबके माइंड में समझा देंगे। बाकी जिसकी रजिस्ट्रेशन रह गई है वो फिर आजम भाई से कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, या मुझसे चाहे तो मुझसे, ठीक है। शुक्रिया।